भारतीय भगवान का जो मार्ग था, उस उन्होंने मध्यम मार्ग हम लोगों को दिया था। अगर हम उस मध्य मार्ग पर चलते हुए, ज़्यादा कुछ नहीं कि सिर्फ हम मध्य मार्ग पर चलें और वहाँ कट्टरता नहीं है, वहाँ एक सीधा सादगी भरा रास्ता है, तो ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये धर्म जो है पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, लेकिन हमारे देश के अंदर में उस तरह से विस्तार नहीं हो पा रहा और कहीं ना कहीं कमी है। तो वो कमी मेरे ख्याल से आप दूर हो जानी चाहिए कि हम लोगों में जागरूकता आ रही है, और ये जागरूकता अगर इसी तरह से फैलती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि ये वर्ल्ड वाला जो हम उदाहरण देते हैं, वो अपने देश का उदाहरण दें कि हमारे देश में हर जगह में गली कूचे में बाबा साहब भगवान बुद्ध का जो धर्म है उसका विस्तार हो रहा है, भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं, वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा। रामेश्वर जी, आपको नहीं लगता है कि जो और जो जिसे हिंदू धर्म कहता है उसको सरकार का बहुत बड़ा सहयोग है, उसको सरकार बहुत आगे बढ़ा रही है, लेकिन जो यहाँ का मूल धर्म है, जो यहाँ का मूल नेतृत्व करने वाला धर्म है, उसको सरकार किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ा रही, सरकार उसको किसी हुई है। सरकार बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सरकार इस मामले में धर्म मापदंड अपनाए हुए है कि सरकार तो इस धर्म को मानने के लिए भी तैयार नहीं, ये धर्म था सरकार तो मतलब जितना छुपाना चाहे पूरा छुपाने की कोशिश कर रही है। अदरवाइज सरकार को तो ये चाहिए ना कि ये धर्म जो है मूल धर्म था और सबसे बड़ा धर्म था, पूरे वर्ल्ड में आज सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ सही तरह से इस धर्म का प्रचार करें, वो भी इस धर्म का प्रचार बहुत देखिए। रामेश्वर जी, आपको नहीं लगता कि यहाँ जो 35 साल से एक संस्था काम करती है, अभी तक हमें भी ये पता नहीं था भगवान गौतम बुद्ध का अंदर है, लेकिन वो जो संस्था इतने बड़े पैमाने पर काम कर रही है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ये विश्व का प्रोग्राम है, लेकिन आज ये जनता जो बौद्ध धर्म मानने वाले हैं उन्हें नहीं मालूम, ये किसके कारण बताएंगे आप? सबसे बड़ी कमी उनकी है, और आज भी क्या होगा, आज भी आप लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, अब इसका फ़ायदा तो ये होना चाहिए था कि सबके मोबाइल नंबर सबका वो कलेक्ट होने चाहिए थे और एक गेट टुगेदर टाइप का होना चाहिए था यहाँ लोग, वो नहीं हुआ, और आज के बाद फिर बोल जाएंगे फिर हम अगले साल अगले वर्ष आएंगे, कैसे प्रचार होगा? और आप पत्रकार हैं, मेरी तो आपसे भी अपील है कि आप ही इस पर लीड लें और इनको हम जब सजेस्ट करें, इतने लोग जो हैं यहाँ पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड से आए हैं, तो ये कम से कम ये तो एक दूसरे को पहचान लें आज जी, और इतना ही पहचान लेंगे तो ये बहुत बड़ा मैसेज होगा आज।